गंगा जी नहा कर शादी की भी तैयारी कर। पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करें, मैं नहीं जाऊंगी, पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहती। कहते हैं प्यार कोई जात धर्म या कोई देश नहीं देखता। दो लोगों के बीच का लगाव और प्रेम अगर सच्चा हो तो वो कोई भी जंग आसानी से जीत लेता है। लेकिन जंग लड़ने के लिए जो हिम्मत और ताकत और हौसला होना चाहिए वो किसी विरले के पास ही होता है। पाकिस्तान से प्यार की खातिर भारत आई सीमा हैदर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हालांकि सीमा की अपने प्यार को पाने के लिए जंग जारी है, लेकिन पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ भारत आई सीमा ने आधी जंग जीत ली है। सीमा हैदर को फिलहाल कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीमा ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में अपने प्रेमी सचिन के साथ अवैध तरीके से रह रही थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। सीमा के केस में अब भी कानूनी दांवपेच बाकी है, जहां एक तरफ सीमा का पहला पति गुलाम हैदर चाहता है कि वो वापस पाकिस्तान लौट आए, वहीं प्रयागराज का रहने वाला सचिन चाहता है कि सीमा उसी के साथ रहे। सीमा हैदर की माने तो सचिन ने उसे चारों बच्चों समेत अपनाया है। मैं कोई गलत इरादे से नहीं, इनकी मोहब्बत में आई हूँ। एक दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान से दुनिया मानेगी हमारे प्यार। सीमा की माने तो एक बार तो उसके पूर्व पति गुलाम ने मिर्ची पाउडर सीमा के चेहरे पर डाल दिया। वो गुलाम से इतना परेशान था कि उसे शुरू से ही छोड़ देना चाहती थी। जब 2019 में पबजी खेलते वक्त उसकी बात सचिन से हुई तो धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई। सीमा ने अपनी जमीन बेची और अपने बच्चों के साथ वीजा लगाकर कराची से नेपाल पहुंची और नेपाल के रास्ते सीधे ग्रेटर नोएडा आ गई। 13 मई को सीमा गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा इलाके में पहुंची, जहां सीमा अवैध तरीके से रहने लगी। हाँ जी, बच्चों के साथ हम सबको स्वीकार कर लिया है। मेरे माता पिता ने बोल रहे हैं कि गंगा जी भी नहवा कर लेकर आएंगे और हिंदू धर्म अपनवाएंगे और गंगा जी नहवा कर शादी की भी तैयारी करेंगे। जितना होगा हम पे इतना करे होंगे, बस ये कहना है हमारे घर वालों। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी करवाए और यहाँ की नागरिकता दें, बस हम अपना घर बसाना चाहते हैं। सीमा का पूर्व पति गुलाम हैदर सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्कीन बंदा हूँ। उधर सीमा का कहना है कि उसका गुलाम से कोई लेना देना नहीं है और उसके बच्चों तक ने उसे स्वीकार नहीं किया और अब वो भारत ही रहना चाहती है। नहीं, कभी भी इनसे पूछेंगे, कभी भी इनको बच्चों ने पापा कह के बुलाया, कभी भी क्या इनको बच्चों ने पापा कह के बुलाया, नहीं बुलाया, नाम से बुलाते थे, ये हैदर है। मेरे अब्बू जो मेरे पापा थे उनको पापा कहते थे। सचिन ने पहले से ही घर वालों को सीमा के बारे में बता दिया था, लेकिन पुलिस को ये बात तब पता लगी जब दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। 30 जून को जैसे ही वकील को सीमा के पाकिस्तानी होने की बात पता लगी तो बात पुलिस तक जा पहुंची। इसी बीच सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा से फरार हो गए, लेकिन जल्द ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों को जमानत मिल गई है और केस में आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।